बीजेपी हो, जेजेपी हो या दूसरी तमाम पार्टियां, कांग्रेस हो, इसके अलावा योगेंद्र यादव की स्वराज पार्टी भी हरियाणा की चुनावी रण में है। स्वराज इंडिया ने भी पूरी कमर कस ली है। क्या कहना है उनके प्रत्याशी का, आइए सुनते हैं। तो चुनावी समर का अब शोर सुनाई देने लगा है, बहुत से बैनर से पटा हुआ है पूरा नारनौल शहर, और कई जो प्रत्याशी हैं उनसे हम मिल चुके हैं, लेकिन ये नौजवान प्रत्याशी, पढ़े लिखे प्रत्याशी, अच्छे खासे एजुकेटेड हैं, ये हैं स्वराज इंडिया से प्रत्याशी। योगेंद्र यादव को आप जानते हैं, उनकी पार्टी से प्रत्याशी हैं। आपका नाम है तेजपाल यादव, वो है योगेंद्र यादव, ये अहिरवाल है, यादवों का गढ़ है। तो योगेंद्र यादव को देख के तो लगता नहीं था वो जातीय समीकरणों को ध्यान में रखेंगे, तो जातीय समीकरण को ध्यान में रख के आपको टिकट दी गई? नहीं नहीं सर, जातीय समीकरण को ध्यान में नहीं दिया गया है, आप हमारे बाकी के टिकट देखेंगे। देखो, योगेंद्र यादव जी जमीन से जुड़े हुए, संघर्ष से जुड़े हुए नेताओं को चुन चुन कर ऐसे लोगों को टिकट देने का काम कर रहे हैं। जैसे मधु आनंद जी है पंचकुला से, जिन्होंने 19 साल तक लंबा संघर्ष किया, डीजीपी राठौड़ का एक लड़के के साथ छेड़खानी का मामला आपने सुना होगा, उनको टिकट देने का काम किया। यहाँ पे हमारे गोदारा जी हैं इससे दादरी से, जिन्होंने अवैध खनन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। हमें यादव देख कर टिकट नहीं दिया, हमें ये देख कर टिकट दिया है कि हमने 1.5-2 साल में अवैध क्रैशरों के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, और 72 अवैध स्टोन क्रैशरों को बंद करने का आदेश हमारे हमारी याचिका पर माननीय एनजीटी ने अभी 24 जुलाई 2019 को दिया था। तो मुझे लगता है जमीनी संघर्ष से जुड़े हुए लोगों को चुन चुन ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहे हैं। योगेंद्र यादव की पार्टी स्वराज इंडिया ने शुरुआत की थी दिल्ली के जो इलेक्शन हुए थे, लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन हुए थे पार्षदों के साथ, पर कुछ खास हासिल नहीं हुआ उन्हें। अब हरियाणा उनका निवास स्थान भी है, घर भी है, अब कैसा लगता है आपको, अब जो टिकट फॉर्मेशन उन्होंने बनाया है और इतने सालों की उन्हें परख जो है, राजनीतिक परख भी है, सामाजिक परख भी है, उस हिसाब से आपको लगता है कि अब फायदा पहुंचने वाला है स्वराज इंडिया को? देखिए, फायदा नुकसान के लिए हम राजनीति में नहीं आए। योगेंद्र यादव जी ने जिन लोगों को टिकट दिया है वो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, और जहां तक कितना फायदा होगा चुनाव के बाद, मैं तो एक चीज कहता हूँ, ये एक ईमानदार राजनीति का बीज है। अब ये बीज पौधा बनता है या वटवृक्ष बनता है, ये कई बारिशों का पानी, उसमें कितना बारिशों का पानी लगता है वो बताएगा, मतलब जनता का कितना सहयोग मिलता है इससे आकलन होगा। और जब भी हम योगेंद्र यादव को देखते हैं बहुत जुझारू छवि नजर आती है, आज से नहीं, और बहुत साधारण छवि नजर आती है, लेकिन जो चुनाव होते हैं ना और जो पार्टियां होती हैं उसमें साम दाम दंड भेद सब चलता है। आप जैसे नौजवान और जो जमीन से लड़ रहे हैं, जमीन पर लड़ते हुए आपने जैसे स्टोन क्रेशर की बात की, ऐसे लोगों को सामदाम दंड भेद शायद नहीं आता, आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी चुनावों में जीतने के लिए, क्योंकि जीतना बड़ा जरूरी है, तभी आपकी सरकार बनेगी, तभी आपकी नीतियां जो योगेंद्र यादव चाहते हैं वो सूबे में कायम होंगी? देखिए, हमारे पास एक चीज है, जैसे कि योगेंद्र यादव जी की जो स्वराज इंडिया है वो एक ईमानदार राजनीति का बीज है। बाकी लोग क्या करते हैं, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, चुनावों में करोड़ों रुपए बहाते हैं, फिर उसके बाद सत्ता हासिल करते हैं, और सत्तासीन होने के बाद वही पैसा जनता से वसूलने का काम करते हैं। हम अपना चुनाव प्रचार किस माध्यम से कर रहे हैं, हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में संवाद स्थापित कर रहे हैं। हमारे पास संवाद स्थापित करने के लिए सिर्फ एक चीज़ है, वो है ईमानदारी की जुबान और सभी वोटर्स के आदरणीय ग्रामवासियों के, सभी नांगल चौधरी हल्के वासियों के कान। और जब सच्चाई की जुबान और कान के मध्य संवाद स्थापित हो जाता है तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो आपके पास तो वो भी वादा देने को नहीं है कि वृद्धावस्था में 5,500 रुपये की पेंशन आपको मिलेगी, आपके पास वो भी दावा नहीं है कि हमारी सरकार आती है तो फिर हरियाणा के जो युवा हैं उनको 75% ना सिर्फ सरकारी में बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां देंगे, आप किन वादों के साथ लुभाएंगे, ईमानदारी की कितनी जगह बची है ये बताइए जरा। देखिए, आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए, हमारा जो घोषणा पत्र है उसका हमने घोषणा पत्र नाम नहीं दिया, ईमान पत्र नाम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो कुल मिलाकर स्वराज इंडिया जिसने अपने पत्ते खोले थे दिल्ली के जो लोकल बॉडीज के चुनाव थे, हालांकि वहां से कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि जुझारू छवि के हैं, मेहनती छवि के हैं, राजनीति को अंदर राजनीति का विश्लेषण वो करते रहे हैं, ऐसे में अब देखना होगा कि किस आधार पर उन्होंने टिकट का वितरण किया है, किन चेहरों को सामने रखा है, और वाकई क्या उनकी जो आइडियोलॉजी है, अब वक्त आ गया कि वो काम करे जमीनी स्तर पर उतर कर, क्या केजरीवाल की तरह योगेंद्र यादव भी कोई बड़ा विकल्प बनकर उभर सकते हैं। इस वक्त मैं नारनौल से कुलदीप सिंह पठानिया, कैमरामैन अरशद खान के साथ R9 TV के लिए।